हेलो बच्चों आशा करता हूँ आप सभी लोग सभी लोग क्या होंगे बच्चा मस्त होंगे जबरदस्त होंगे और आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन जो है बेटा वो तैयारी काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी दोस्तों तो हम आज की सेशन में बात करने वाले हैं ऐसे पांच मिस्टेक्स कौन कौन से हो सकते हैं बेटा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन पीरियड जिसमें कि हर एक बच्चा क्या करता है ना कभी ना कभी ये कुछ ना कुछ, कुछ मिस्टेक्स जो है बेटा बार बार रिपीट करता है या तो कभी ना कभी, कभी ये मिस्टेक्स क्या होते हैं बेटा होते ही होते ही हैं हम सभी से होते हैं तो हमको कोशिश क्या करनी है बेटा इन पांच कम से कम पांच मिस्टेक्स जो ऐसे ही बेटा जो मैं बताने जा रहा हूं उन पांचों के पांचों मिस्टेक्स को अगर आप शॉर्ट कर लेते हो तो अन्य कई लोगों की अपेक्षा आप एक स्टेप उनसे आगे हो सकते हो तो कौन कौन सी पांच बातें बेटा चलिए समझते हैं तो पहला जो पॉइंट निकल करके आता है बेटा पहला तो हमारा पॉइंट निकल कर के आता है कि स्टडी प्लान का ना होना कोई अगर स्टडी प्लान नहीं है अगर कोई स्टडी प्लान अगर आपका नहीं है बच्चों तो उसमें क्या करना है बेटा आपको सबसे पहले स्टडी प्लान आपको बना करके रख लेना आपको सबसे पहले क्या करना बच्चा कि एक स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए अगर आप किसी एग्जाम्स के, के लिए आप क्या कर रहे हो बेटा प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टडी प्लान होने का मतलब क्या है बेटा कि कितने टाइम ड्यूरेशन में कौन सा सब्जेक्ट हमको फिजनिक्स करना है कौन सा सब्जेक्ट हमको पहले पढ़ना है कौन सा सब्जेक्ट हमको बाद में पढ़ना है कितनी देर हमको प्रैक्टिस करनी है कितनी देर हमको रिविजन करना है ये सारी की सारी आपके क्या होनी चाहिए बेटा प्लान तरीके से होनी चाहिए और इस प्लान के ऊपर आपको क्या करना बेटा

दूसरे पॉइंट पे आते बेटा कि टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ सिलेबस जो भी सिलेबस हो बेटा तो सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है कुछ सब्जेक्ट का वेटेज कम होता है जो सब्जेक्ट का वेटेज अगर ज्यादा है बच्चा सिंपली आपको क्या करना बेटा जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है उसको ज्यादा टाइम ड्यूरेशन देना है जिसका सब्जेक्ट का वेटेज बेटा कम है उसको कम टाइम ड्यूरेशन देना है ताकि आपका टाइम का यूटिलाइजेशन क्या हो पाए बच्चा सब बेहतरीन तरीके से आप लोग कर पाओ कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चों को कुछ पोर्शन थर्मल अच्छा होता तो सुबह शाम तक थर्मल ही पढ़ना है कुछ बच्चों का अगर प्रोडक्शन अच्छा है सुबह शाम तक तो प्रोडक्शन ही पढ़ना है बेटा ऐसा नहीं करना आपको बैलेंस अप्रोच अपना है उसमें देखना बेटा कौन सा एग्जाम के लिए मैं टारगेट कर रहा हूं और उस एग्जाम में उसका वेटेज कितना है सब्जेक्ट का वेटेज कितना उस हिसाब से आपको क्या करना है बच्चा टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कर करके रख लेना है तो ये बेटा टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं करते अकॉर्डिंग टू सिलेबस या एग्जाम अकॉर्डिंग टू आपको क्या कर, कर, करना पड़ेगा बेटा आपको बहुत ज्यादा गलतियां कर सकते हो ठीक है दूसरे पॉइंट पॉइंट पे आते हैं दूसरा क्या है बेटा कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं बच्चों के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिस नहीं करना मैंने पढ़ लिया सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट तो पढ़ने से नहीं होता बेटा प्रैक्टिस करने से होता है कई बच्चे यूनिट में गड़बड़ कर देते हैं जब एग्जाम देने के लिए जाओगे ना बेटा वहां भी जब एग्जाम देकर क्या हो गे? किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कोई बच्चा कि आप वहां पर

कि जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं और जब गलतियां पता चलती हैं बेटा तो उन उनका उनका क्या करना बेटा रिवीजन करना उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना कि मेरे से ऐसा क्या कॉन्सेप्ट मिस हो गया था जिसकी वजह से मैंने गलतियां कहीं क्या करना है बेटा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी गलतियां पता चलेंगी तो आपको उस टॉपिक टॉपिक का क्या करना बच्चों रिवीजन करना है उस टॉपिक का क्या करना बच्चा रिविजन करना है उसी टॉपिक का रिविजन करने के बाद आपको देखोगे बेटा कि कम टाइम में इफेक्टिव तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो मतलब क्या है कि पूरा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने की जरूरत नहीं है आपको जो प्रैक्टिस

बच्चे आते हैं कि सर मेरा मौक अच्छा नहीं जा रहा सर मेरा मौक अच्छा नहीं जा रहा क्या करने मॉक अच्छा करने के लिए बेटा बस मौक देते रहो अगर मौक आप देते हो ना बेटा तो अन्य कई बच्चों से आप कहीं ज्यादा आगे हो इंस्पाइट डिस्पाइट की आप मॉक नहीं दे रहे हो तो आपको कोशिश ये करनी है बेटा कि जितने भी मॉक टेस्ट पॉसिबल हो सके उतने ही मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट आप करो टेस्ट देने से क्या होता है है ना बच्चा कि आपको आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलती आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं या मुझे कौन से सब्जेक्ट में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ये सभी चीजें आपको मॉक टेस्ट से पता चलता है तो जब आपका एक्चुअल एग्जाम होता है उससे पहले इंपॉर्टेंस क्या होती है बेटा मॉक टेस्ट की ये मैंने आई बटन पे लिंक दे दे रहा हूं उस वीडियो को जाकर के जरूर चेक कर लेना कि मॉक टेस्ट किस तरीके से देना चाहिए क्या बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है और मॉक टेस्ट से फायदे क्या क्या होते हैं तो ये पांच पॉइंट आपको क्या करना बेटा कि मॉक टेस्ट नहीं देना भी एक बहुत बड़ा गुनाह गिना जाएगा तो इसमें क्या करना बेटा मॉक टेस्ट जरूर से जरूर आपको देना है ये सारे के सारे पांचों पॉइंट जिसने रिलीजियसली फॉलो कर लिए बेटा ना वो सलेक्शन के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाएगा तो इन पांच मिस्टेक्स को कभी मत कभी मत रिपीट करना बेटा या कभी मत करने की कोशिश करना ठीक है थैंक यू अच्छा गल लगता है वीडियो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एवरीवन